Have you ever noticed how we don't care about stuff we care about the most? For example, कभी हम चुगली कर रहे हैं, literally चुगली कर रहे हैं, लेकिन हमें कहते हैं नहीं मैं चुगली करता नहीं वैसे, या फिर कभी कोई बात ऐसे मौजू पे कर रहे हो, ठीक है, और फिर लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता वैसे, मैं वैसे ही कर रहा हूँ बस. डू यू नो वाई वी डू डैट, वाई वी ब्रिंग द जस्टिफिकेशन टू द अदर पर्सन कि भाई मैं ये काम करता नहीं हूँ आज हो रहा है, मैं चुगली करता नहीं हूँ आज हो रही है, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं लिटरली झूठ बोल भी रहा हूँ. यू नो व्हाई वी डू दैट? वी डू इट बिकॉज वी ऑल आर वन्नाबीज, वी ऑल हैव दिस बेटर वर्जन ऑफ आर सेल्व्स और दिस पर्सन, ठीक है ना, हुम वी वॉन्ट टू बी लाइक. थिंग इज कि लाइफ इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, नो वन इज बॉर्न गुड और बैड. ये मैंने बात बुक में भी लिखी है, वो बुक है. मैंने ये बात बुक में भी लिखी है कि ह्यूमंस आर वियर्ड, हम बदतरीन बदतरीन इंसान जो सोसाइटी के ना बड़ा बदतरीन लेबल हुआ होता है, ठीक है, वो भी बहुत नेक काम कर सकता है, और जो नेक नेक तरीन आदमी भी बड़ा बदतरीन काम कर सकता है. क्यों? बिकॉज एवरी एक्शन हैज़ इट्स ओन मेजर्स एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है ना, और वो रिस्पॉन्डेशन को ही हमने फर्दर वो लेबल किया था कि भाई ये अच्छा रिस्पॉन्ड किया है या बुरा रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है. वो एक बड़ा मशहूर कोट है जिससे मैं मोस्टली डिसअग्री करता हूँ, लेकिन इस परस्पेक्टिव में अग्री करता हूँ, वो है कि फेक इट टिल यू मेक इट. अब मैं उसको इस परस्पेक्टिव में अग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने हिदायत दी हुई है कि अगर रोना ना आ रहा ना, मुझे याद करके रोना ना आ रहा दुआ में, तो रोने की एक्टिंग करो. ऐसा क्यों होता है कि अगर रोना ना आ रहा हो तो रोने की एक्टिंग करो, ठीक है. एक्टिंग क्यों करनी है? अल्लाह ताला थोड़ी छुपाना है कुछ, दुनिया को शायद दिखा भी दूँ मैं, ठीक है, छुपा भी दुनिया से चीज़ें, दुनिया के सामने मैं बोला भी बन भी जाऊँ, अल्लाह के सामने वो बोला भी क्यों बन रहा है? दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि वी ऑल आर एक्टिंग इन द सिमुलेशन ऑफ हु वी सपोजिटली आर वर्सेस हु वी सपोजिटली वॉन्ट टू बी लाइक, ठीक है ना, विद जीरो टू वेरी लिटिल माइंड एंड सोल कोऑर्डिनेशन. ये बात समझ आ जाएगी, पूरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है ना. कोई वना भी नहीं होता और कोई वना भी नहीं होता, ठीक है ना. कोई बंदा आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ नहीं होता, क्योंकि योर सेल्फ इज रॉ, योर सेल्फ इज डिवेलप्ड विद ओवर टाइम, ठीक है. आपकी सेल्फ डिवेलप होती है आपकी एनवायरनमेंट से, आपकी सोसाइटी से, आपके कल्चर से, ठीक है ना, आपके मॉरल और क्या कहते हैं उसको, बिलीफ से. तो ये जो हम लेबल करते हैं ना बड़े मजे से कि भाई वो बंदा फेक है, वो बंदा असली है, वो वाना भी नहीं है, द रियलिटी इज वी ऑल आर वाना बीज. अगर हम वाना भी ना हो ना, तो हम लोग इस्लामिकली मकबूल ना हो और सोसाइटी में भी एक्सेप्टेड ना हो, ठीक है. जो कोई बंदा बाय नेचर कुछ एब्जॉर्व करके नहीं आया होता, हाँ कुछ उसकी चीज़ें उसमें कुछ ऐसी इंस्टिंक्ट्स पाई जाती हैं जो उसको मुनफरिद कर लेती हैं, वो भी इवेंचुअली उसकी थिंकिंग और उसके वे ऑफ डूइंग स्टफ उसके फैमिली कल्चर सोसाइटी और बिलीव्स पर डिपेंड करता है जो ओवर टाइम उसके इवॉल्व होते हैं, ठीक है. और अगर किसी के गलत इवॉल्व हुए हों तो उसको वोना भी ही बनना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है अपना आप अच्छे करने के लिए, अच्छा करने के लिए, ठीक है. लाइकवाइज तो वी ऑल आर वोना बीज, चाहे वो एक्सटर्नली हो या फिर इंटरनली हो, वी ऑल वॉन्ट टू बी दिस वेरी मेच्योर, दिस वेरी वाइज पर्सन जो ना झूठ बोलता है, ना चुगली करता है, जो अपने काम से काम रखता है, वो डजंट केयर अबाउट एनी थिंग, ठीक है. वी ऑल वॉन्ट टू बी लाइक दैट, बट आर वी लाइक दैट? नहीं, हमें उस तरह का बनना है. उस तरह के बनने में कोई वो भी नहीं है, गलत बात नहीं है, तो अच्छी बात है, ठीक है ना. तो ये जो होल कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई ही इज़ वाना बी, ही इज़ नॉट वाना बी जस्ट बिकॉज उसका एक्सेंट फ़र्क हो रहा हो शायद, या उसे कपड़े थोड़े ना वो बेचारा चेंज कर रहा हो, तो देखेंगे कि वो एक्सटर्नली वाना भी है तो मैं इंटरनली वाना भी हो, ठीक है. बट वी ऑल आर वाना भी बिकॉज वी ऑल लिव इन दिस इम्प्योर वर्ल्ड एंड वी आर बॉर्न विद दिस नफ्स. हमारा नफ्स हमें कॉन्स्टेंटली बुराई की तरफ खींच रहा होता है, और हमें ये एक्सेप्टेड लुक जो दिखाते हैं ना, मैं जो दिखानी होती है दुनिया को, उसके लिए मैं दोबारा आपको कॉन्स्टेंटली वापस करना पड़ता है. आपको अपने हर डिसीजन में, अपने हर मौके पे, दुन वक्त जिंदगी के हर मौके पे अपने आप को अच्छाई तरफ पकड़ना पड़ता है, जिद की तरफ से खींचना पड़ता है. ऑल दो इज नॉट द इजिएस्ट थिंग टू डू, बट वी हैव टू डू इट बिकॉज
बिकॉज वी आर वनाबीज, वी आर क्रिएटेड टू बी वनाबीज। तभी अल्लाह ने कहा है कि दुआ करते हुए रोना ना आ रहा हो तो एक्टिंग करो, क्यों जो ये एक्टिंग की तरफ जाते जाते तुम इवेंचुअली कर लोगे। ठीक है, फेक इट टिल यू मेक इट, इस पॉइंट इस बात पर मैं एग्री करता हूँ इस सेंस में। तो यह ऐसे ही ख्याल आया मैंने वीडियो बना दी इस चीज़ पे। आई होप यू लाइक इट, आई होप इट मेड सेंस टू यू। सी यू एट द नेक्स्ट टाइम, होपफुली रिएक्शन वीडियो में।